एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी दिनों में त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी, एडिशनल कलेक्टर के अलावा अन्य अधिकारियों सहित शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जहां त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सुझाव दिए गए, तो वहीं शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी सुझाव दिए गए, जिसको लेकर के कलेक्टर सुधीर कुमार कुचर ने उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में उन कार्य योजनाओं पर अमल करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि समिति की बैठक में बहुत अच्छे सुझाव हमारे शांति समिति के सदस्यों की ओर से आए, जो न केवल त्योहारों के विषय में थे बल्कि शहर की बेहतरी को लेकर के भी थे। तो हम लोग उस पर काम करेंगे। मैं और एसपी, हम लोगों ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि हम लगातार इन पर काम करेंगे और इनके अच्छे परिणाम सबको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार एक बहुत ही अच्छे माहौल में ये बैठक सम्पन्न हुई और सभी ने संकल्प लिया कि वो जैसे होली, रंग पंचमी और बाकी के त्यौहार बहुत सद्भाव के साथ मनाते रहे हैं, ये सारे त्यौहार भी सद्भाव के साथ